इस भाग में आप देखेंगे कि किस तरह 10 प्रतिज्ञा और 7 आदतों के सहारे आप दुनिया के सफलतम सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो पहली प्रतिज्ञा, जिसे ऑग मेडिनो ने रेकमेंड किया है कि हर इंसान को 10 प्रतिज्ञा जरूर करनी चाहिए यदि वह सेलिंग की दुनिया में आसमान छूना चाहता है। पहली प्रतिज्ञा यह कि आज मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा, आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी को उतार फेंकूंगा जिस पर असफलता के चोट के निशान हैं और नाकामयाबी के घाव हैं। आज मेरा नया जन्म होगा और मेरा जन्म एक अंगूर के बाग में होगा जहां सबके लिए फल होंगे। यहां अंगूर के बाग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर सब लोगों के लिए फल होते हैं, केवल आपके लिए नहीं, केवल हमारे लिए नहीं। इस पहली प्रतिज्ञा को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपने अतीत से बाहर आ जाते हैं। हम कल के अपने पिछली गलतियों को याद नहीं रखते, हम अपनी असफलताओं पर रोना नहीं रोते और अपनी सफलताओं की डींगे नहीं हांकते। हम फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं आज पर, क्योंकि हमें मालूम है कि पीछे बीत गए कल पर हमारा कोई अधिकार नहीं, आने वाले कल का कोई भरोसा नहीं। यदि कुछ भी है तो आज है, अब है, अभी है। इसीलिए उन्होंने इस प्रतिज्ञा को सबसे पहली प्रतिज्ञा रखी है। उन्होंने यह भी कहा है कि ये सारी चीजें जो असफलता या सफलता है वो हमारी आदतों के कारण होता है। कल तक हमें बहुत खराब आदतों ने जकड़ रखा था, आज हम फिर से नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं जहां हम अच्छी आदतों को अपनाएंगे। इस अच्छी आदतों को अपनाने के लिए स्टीफन कोवे का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये इतने बड़े दार्शनिक थे, आप कल्पना कर सकते हैं कि वह जब इंडिया में आए थे एक दिन के लिए तो 6 घंटे के लिए करीब 500 लोगों ने उनके सेमिनार को अटेंड किया था और उसमें उनका कॉस्ट था करीब 1 करोड़ रुपया। आप समझ सकते हैं कि क्या ज्ञान वो देते हैं। और उन्होंने उस पूरे सेमिनार में इस चीज पर सबसे ज्यादा जोर डाला कि वो 7 आदतें क्या हैं जो किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा इफेक्टिव बना देती है। उन्होंने बताया कि पहली आदतें हैं बी प्रोएक्टिव, अर्थात आप इनिशिएटिव लीजिए, आप आगे बढ़कर एक्शन लीजिए, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, आप आगे बढ़कर अपने ऊपर जिम्मेवारी लीजिए। दूसरी आदतें उन्होंने बताई कि आप सोचना जब भी शुरू करें तो अंत को ध्यान में रखकर, अर्थात लक्ष्य को ध्यान में रखकर, आप कोई भी कर्म करते हैं अपने से पूछिए कि क्या ये कर्म हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जा रही है, यदि हाँ तो उस कर्म को जरूर कीजिए। क्या अभी जो मैं कर्म कर रहा हूं उससे मैं यदि इंश्योरेंस लाइन में हूं तो MDRT बन जाऊंगा क्या, यदि मैं किसी भी व्यवसाय में हूं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा क्या, यदि हां तो वो कर्म कीजिए, यदि नहीं तो एक बार और सोचिए। उन्होंने तीसरी आदतें बताई कि ये जो इफेक्टिव पीपल होते हैं वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीज पहले की जाए और कौन सी चीज बाद में। ज्यादातर हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग अपने मन के आधार पर जो समझ में आया, जो सबसे नजदीक पड़ गया, जो सबसे हल्का लगा वो काम करके निकल गए, लेकिन हमने प्राथमिकताएं नहीं फिक्स की। जब तक हमारे जीवन में प्राथमिकताएं नहीं होंगी हम इसी तरह भटकते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने 3rd हैबिट्स को कहा था पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इन 3 आदतों का पालन करने से उन्होंने बताया कि आप अपने ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। और जब आप अपने ऊपर विजय हासिल कर लिए इन आदतों के एप्लीकेशन से, तो अब आपकी बारी है समाज में, पब्लिक में जाकर विजय हासिल करने की। एक सेल्समैन को पब्लिक में विजय हासिल करना होता है, लेकिन वह तब तक नहीं कर सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय नहीं हासिल कर पाता। इसीलिए इन 3 आदतों का बहुत महत्व है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 4th आदत जो उन्होंने बताई, उन्होंने बताया कि थिंक विन विन। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि या हम जीते चाहे सामने वाला जीते या ना जीते, या फिर हम भले हार जाएं लेकिन सामने वाला जीत जाए। इन दोनों ही स्थिति में जो सॉल्यूशन होता है, जो रिजल्ट होता है, वह सुखद नहीं होता। सुखद रिजल्ट तभी होता है जब हम भी जीतें और सामने वाला भी जीते। इसीलिए वो कहते हैं थिंक विन विन। 5वीं आदत है पहले खुद को समझें और तब समझाएं।
हमेशा ऐसा होता है कि हम दूसरे को समझाने के लिए चलते हैं बिना यह समझे हुए कि उसकी अवस्था क्या है, वह कहना क्या चाहता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। हम केवल अपनी बात कहना चाहते हैं और जब हम अपनी बात कहने की धुन में होते हैं तो हम कुछ नहीं समझा पाते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि पहले आप समझिए और जब आप उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं और फिर उनके सामने में उसी चीज को रखते हैं दो लाइन में कि क्या आप इस तरह की बात कह रहे थे, और जब उसे महसूस हो जाता है कि हाँ यह व्यक्ति हमारी बातें पूरी तरह से ध्यान से सुन रहा है तो वह निश्चिंत हो जाता है कि इसके पास मैं अपनी बातें कह सकता हूँ, इसने हमारी बातें सुन ली है, और तब वह अपने आप को आपकी बात सुनने के लिए तैयार करता है और उस समय में आप जो भी चीज उसे बताते हैं वह सुनता है, वह समझता है और यदि उसके फायदे का है तो वह जरूर हाँ बोलता है। यह बहुत मायने की बात है। इस बात का पालन करने से आपको कभी भी किसी व्यक्ति को समझाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप यदि पॉलिसी समझाना चाहते हैं आप आसानी से समझा सकते हैं। आप यदि अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं आराम से कह सकते हैं। आप अपना कॉन्सेप्ट या आइडिया समझाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आप उसे इंस्पायर करना चाहते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो यह था फिफ्थ हैबिट्स। जो छठी आदतें उन्होंने बताई है वह है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब होता है एक दूसरे की ताकत को उपयोग में लाना। हम में से हर व्यक्ति कम से कम एक ऐसे गुण से लबालब है जो उसे दुनिया का सबसे ज्यादा अद्भुत व्यक्ति बनाता है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। न हम अपने में वो गुण देखते हैं न दूसरे में देख पाते हैं। जिस दिन हम अपने में वो ढूंढ सकेंगे और दूसरे में ढूंढ सकेंगे और उन गुणों का इस्तेमाल करेंगे, उन गुणों को एक साथ जोड़कर कुछ न कुछ अद्भुत चीज सृजन करने की कोशिश करेंगे, हमारा दुनिया बदल जाएगा, हमें जो चाहिए वह उपलब्ध होएगा। इसको उन्होंने सिनर्जाइज कहा है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। एक अच्छी मूवी आई थी फाइंडिंग नीमो करके। इस मूवी में एक मछली अपने साहस के बदौलत और सिनर्जी के बदौलत सारे समुद्र के तमाम स्रोतों को और तमाम लोगों के गुणों को, तमाम मछलियों की ताकतों को इस्तेमाल करके किस तरह से अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस मछली की कहानी अद्भुत है। दूसरा उदाहरण है अपने महात्मा गांधी का। जब शुरुआत किया था उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष, अकेला चला था वो, लेकिन फिर सिनर्जी के कारण उसके साथ पूरी देश, पूरा जनादेश, पूरा संसार एक साथ उठकर खड़ा हुआ। राम भी जब चले थे रावण के लिए तो अकेले चले थे, लेकिन साथ में उन्हें बानर सेना मिली, उनके साथ विभीषण हो गए, उनके साथ सारी दुनिया आ गई, लेकिन शुरुआत तो एक आदमी अकेला ही करता है और उसके मन में यह भावना रहती है कि मुझे यदि कुछ पाना है तो मुझे दूसरे लोगों की गुणों का, दूसरे लोगों की ताकतों का इस्तेमाल करना होगा, और वो तभी होगा जब हम सिनर्जी पे विश्वास करते हैं, सिनर्जी की धारणा में रहते हैं और उसे अपने जीवन का एक आदत बना लेते हैं। तो यह था छठवां आदत। सातवां आदत उन्होंने कहा है शार्पन योर सॉ, अर्थात आप अपने बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल को हमेशा तैयार रखें, फिट रखें। जब भी मौका मिले आप उसे अपने सान देते रहें, जिसके कारण जब जरूरत पड़े यह ऐसा ना हो कि उपयोग ना कर पाएं। उसके लिए उन्होंने बहुत ही सिंपल रास्ता बताया है। यदि बॉडी को आप शार्पन रखना चाहते हैं, तेज रखना चाहते हैं, तो हमेशा एक्सरसाइज कीजिए। आप जो भी खाना खाते हो गौर कीजिए कि क्या यह पौष्टिक है, क्या यह हमारे बॉडी को फिट रखेगा। यदि हाँ तो जरूर कीजिए, यदि नहीं तो छोड़ दीजिए। उसी तरह से माइंड को उन्होंने कहा है। माइंड का मतलब जो विचारों का बंडल हो उसे माइंड कहते हैं। तो मन को यदि साफ रखना है तो यह ध्यान रखना है कि कौन सा चीज है जो हमें निगेटिव विचार देते हैं, कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें नीचे कर देती हैं, हमें उससे दूर रहने का है और उसे पॉजिटिव में बदल देने का है। दिन रात हम अपने मस्तिष्क में पॉजिटिव विचार लाएंगे, सकारात्मक सोच लाएंगे, इससे हमारा मस्तिष्क अपने आप शार्पन हो जाएगा। उसके बाद आता है हार्ट। हार्ट अर्थात दिल। दिल ऐसा जिसमें हमेशा प्रेम रहे, घृणा नहीं। तो जब भी हम प्रेम रखने की कोशिश करेंगे यह दिल हमेशा की तरह शांत होगा, सुशील होगा, स्वच्छ होएगा। और आत्मा,
आत्मा को शार्पन करने के लिए, आत्मा को तेज रखने के लिए, आत्मा को धवल और स्वच्छ रखने के लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, हम मेडिटेशन करें। इन सब के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर की, अपने मन की, अपने बुद्धि की, अपने दिल की और अपनी आत्मा को इस लायक रख सकेंगे कि जब जिस समय में जिसकी ज़रूरत होगी हम पूरे जोश से, पूरी ताकत से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये थे 7 आदतें जिसको स्टीफन कोवे ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में रखा है और जिस किताब की अब तक करीब लाखों प्रतियां बिक चुकी है और लाखों लोगों को ये बहुत आगे बढ़ाने में कामयाब हुई है। तो इन 7 आदतों को यदि हम आज से अपने मन में ले आएं, अपने दिनचर्या में ले आएं, तो कोई ताकत हमें विजय प्राप्त करने में रोक नहीं सकती। इसी को ऑगमार्डिनो ने कहा है कि आज से मैं अपने नए जीवन को शुरुआत कर रहा हूं और इस शुरुआत के जीवन में मैं अपनी पुरानी चमड़ी जो धूल की तरह हो गई है उसे छोड़ दूंगा। मैं मनुष्यों में सबसे ऊंचा हो जाऊंगा और वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि आज मैं एक नया इंसान बन गया हूं और मेरा नया जीवन शुरू हो गया है और आज के बाद से मैं केवल सफलता के पालनों में झूलूंगा। आज मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। ये है पहली प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। हर काम में सफलता का यह सबसे महान रहस्य है। आपके कवच में छेद हो सकता है और आप मर सकते हैं, परंतु प्रेम की अदृश्य शक्ति लोगों के दिल के दरवाजे खोल सकती है। और मैं जब तक इस कला को नहीं सीख लेता तब तक मैं बाजार में चिल्ला रहे साधारण फेरी वाले से ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। इसलिए मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा और इसके बाद कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरे तर्कों का जवाब उनके पास होगा, मेरे शब्दों पर वे अविश्वास कर सकते हैं, मेरे कपड़ों को वे नापसंद कर सकते हैं, हो सकता है उन्हें मेरा चेहरा पसंद ना आए, मेरे हाव भाव से उन्हें शंका हो सकती है, परंतु मेरा प्रेम सबके दिलों को उसी तरह पिघला देगा जिस तरह सूर्य की किरणें बर्फ को पिघलाती है। इसलिए मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। आपको एक चीज बताऊं कि काफी रिसर्च के बाद उन लोगों के साथ जब यह बात पूछा गया जो लोग मात्र कुछ सेकंड के लिए या मिनट के लिए अपना शरीर छोड़कर और पुनः वापस जन्म लेते थे, उनके रिसर्च से उनसे पूछने पर पाया गया कि उस जो 1-2 मिनट के लिए जब उन्होंने शरीर को त्यागा तो उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि हम लोगों से कहीं ना कहीं यह पूछा गया कि हाउ मेनी पीपल यू लव एंड हाउ मच डिड यू लर्न, दैट मीन्स कितना आपने सीखा और कितना आपने प्रेम किया। यही 2 चीज की कसौटी पर आपके सारे जीवन को कसा जाता है। यह एक बहुत अच्छे राइटर हुए, फिलोसोफर हुए, जिन्होंने अपनी किताब मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स में इसका उदाहरण दिया है और जिक्र किया है। तो ये था, मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। और प्रेम किससे करूंगा? सबसे पहले तो मैं अपने आप से करूंगा, क्योंकि जब मैं ऐसा करूंगा तभी मैं अपने शरीर, मस्तिष्क, आत्मा और दिल में आने वाले हर चीज का पूरा ध्यान रख पाऊंगा। कभी भी मैं अपने शरीर के आग्रहों के आकर्षण में ज्यादा नहीं फंसूंगा। इसके बजाय मैं अपने शरीर को साफ और संयमित रखूंगा। मैं कभी भी अपने मस्तिष्क को बुराई और निराशा की तरफ आकर्षित नहीं होने दूंगा। इसके बजाय मैं इसे सदियों के ज्ञान और बुद्धि से ऊपर उठाऊंगा। मैं कभी भी अपनी आत्मा को गर्वित और संतुष्ट नहीं होने दूंगा। इसके बजाय मैं इसे साधना और प्रार्थना से ऊपर उठाऊंगा। मैं कभी भी अपने दिल को छोटा और कटु नहीं होने दूंगा। इसके बजाय मैं इसे बड़ा बनाऊंगा और पूरी दुनिया के प्रेम से भर दूंगा। इसलिए मैं अपने दिल में प्रेम भरकर इस दिन की शुरुआत करूंगा। यह था दूसरा प्रतिज्ञा। अब है तीसरा प्रतिज्ञा। यह है, मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। पूर्वी देशों में जवान सांडों की एक खास तरह से परख होती है। हर एक को रिंग में लाया जाता है और एक पिकाडोर पर हमला करके जांचा जाता है, परखा जाता है कि हर सांड की बहादुरी कितनी है। इसमें देखा जाता है कि घाव के दर्द के बावजूद वो कितनी बार लड़ने को इच्छुक होता है। इसी तरह से मेरी जिंदगी में भी, मेरे जीवन में भी लगातार परीक्षा होती रहती है। अगर मैं जुटा रहूंगा, अगर मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा, अगर मैं आगे बढ़कर लड़ता रहूंगा, तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा।
जीवन के पुरस्कार हर यात्रा के अंत में आते हैं, शुरू में नहीं। और मुझे यह नहीं पता कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे कितना फासला तय करना है। हो सकता है कि मुझे 1000वें कदम पर भी असफलता का सामना करना पड़े, पर हो सकता है कि सफलता सड़क के अगले मोड़ पर छुपी हुई हो। मैं यह कभी नहीं जान पाऊंगा कि सफलता कितनी करीब है जब तक कि मैं वह अगला मोड़ न मुड़ जाऊं। इसलिए मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल ना हो जाऊं। यह था तीसरी प्रतिज्ञा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चौथी प्रतिज्ञा। यह है, मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं। दुनिया शुरू होने के बाद से आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसके पास मेरे जैसा दिमाग, दिल, आंखें, कान, हाथ, बाल और मुंह हो। न तो आज से पहले कोई मेरे जैसा हुआ है, न आज कोई ऐसा है, और न ही आगे आने वाले कल में कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल मेरी तरह चलता, बोलता और सोचता होगा। सभी मनुष्य मेरे भाई हैं, परंतु मैं उन सबसे अलग हूं। मैं विधाता की अद्भुत कृति हूं। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं। इसलिए तो कहा गया है कि हर मनुष्य के पास कम से कम एक गुण है जिसमें वह अद्भुत है, अद्वितीय है। आप चाहे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, वह अद्भुत है अपने बैटिंग में। आप चाहे लैंडर पेस ले लीजिए, वह अद्भुत है अपने खेल में। इसी तरह से आप हर इंसान में देखिएगा कि कुछ न कुछ खास चीज है। जरूरत इस बात की है कि हम उसको जांचें, परखें और उसको इस्तेमाल करें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में। इसीलिए तो मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं, और मैं उस गुणों को इस्तेमाल करके, उस अद्भुत गुणों को इस्तेमाल करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहूंगा। किसी भी जानवर, पौधे, हवा, पानी, चट्टान, झील की शुरुआत मेरे जैसे ही थी। मेरा जन्म प्रेम के कारण हुआ है और मैं लक्ष्य के साथ पैदा हुआ हूं। अतीत में मैं इस बात से अनजान था, परंतु अब यह सिद्धांत मेरे जीवन को आकार देगा और मुझे राह दिखाएगा। मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं। और प्रकृति हारना नहीं जानती, आखिरकार वह जीतती है, और इसी तरह मैं भी जीत कर दिखाऊंगा। और हर जीत के बाद मेरा अगला संघर्ष कम मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए तो कहता हूं मैं प्रकृति का सबसे महान चमत्कार हूं। यह था चौथा प्रतिज्ञा। अब करने जा रहा हूं पांचवा प्रतिज्ञा। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। और मेरा आखिरी दिन कैसा होगा? पहले तो मैं अपने जीवन की बोतल का मुंह अच्छी तरह से बंद कर दूंगा ताकि एक भी बूंद धरती पर न छलक जाए। मैं कल के दुर्भाग्यों, कल के पराजयों, कल की निराशाओं के बारे में अफसोस करने में एक भी क्षण बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बुरे के साथ अच्छे समय को भी बाहर क्यों फेंकूंगा? क्या सूर्य कभी पश्चिम से उग सकता है और पूरब में अस्त हो सकता है? क्या मैं कल की गलतियों को फिर से जी सकता हूं और उन्हें सुधार सकता हूं? नहीं, तो फिर क्यों मैं इसे बर्बाद करूं? मैं इस दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन है। मेरे पास एक ही जीवन है, और जीवन और कुछ नहीं, समय का नाप है। जब मैं एक को बर्बाद करता हूं तो मैं दूसरे को बर्बाद करता हूं। अगर मैं अपने आज को बर्बाद करता हूं तो मैं अपने जीवन के आखिरी पन्ने को नष्ट करता हूं। मैं समय बर्बाद करने वाले लोगों और बातों से बचूंगा। तत्काल काम करके मैं आलस को खत्म कर दूंगा। श्रद्धा की मदद से मैं शंका को दबा दूंगा। विश्वास के बल पर मैं डर को जीत लूंगा। जहां फालतू की बातें हो रही हों वहां मैं अपने कान बंद कर लूंगा। जहां आलसी हाथ होंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। जहां निठल्ले लोग बैठे होंगे मैं वहां एक पल भी नहीं ठहरूंगा। आगे से मैं यह समझ लूंगा कि आलस को गले लगाने का मतलब है अपने प्रियजनों से भोजन, वस्त्र और गर्माहट छीनना। मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ इंसान हूं, और आज अपने प्रेम और अपनी महानता दिखाने का मेरे पास आखिरी मौका है। और अगर यह आखिरी दिन है तो यह मेरा सबसे महान स्मारक होना चाहिए। मैं इसे अपने जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बनाऊंगा। इस दिन मैं हर मिनट का पूरी तरह स्वाद लूंगा। मैं एक एक पल का पूरा आनंद लूंगा और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं हर घंटे और हर मिनट कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे कोई मूल्यवान चीज हासिल हो। मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा और अपनी मांसपेशियों से इतनी मेहनत करवाऊंगा कि वे दया की भीख मांगने लगे। और मैं इसके बाद भी कोशिश करता रहूंगा। मैं पहले से ज्यादा लोगों को अपना सामान बेचूंगा। मैं पहले से ज्यादा सामान बेचूंगा। मैं पहले से ज्यादा धन कमाऊंगा। आज का एक एक मिनट मेरे लिए गुजरे हुए कल के कई घंटों से ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरा आखिरी दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन होना चाहिए। मैं यह दिन इस तरह जीऊंगा जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो। और अगर यह मेरा आखिरी दिन नहीं होगा तो मैं अपने घुटने टेक कर ईश्वर को धन्यवाद दूंगा। कल जब सुबह फिर उठूंगा तो फिर यही दोहराऊंगा कि आज यह मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि कल के बारे में मुझे नहीं पता। कल जो बीत गया मुझे कोई अधिकार नहीं, केवल आज ही और यही मेरा आखिरी दिन है। तो यह था पांचवी प्रतिज्ञा।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं छठवीं प्रतिज्ञा। वह प्रतिज्ञा है, आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। अर्थात अगर मैं निराश हूं तो मैं गाऊंगा, अगर मैं दुखी हूं तो मैं हंसूंगा, अगर मैं बीमार हूं तो मैं दुगुना काम करूंगा, अगर मुझे डर लगता है तो मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा, अगर मैं खुद को हीन समझता हूं तो मैं नए वस्त्र पहनूंगा, अगर मैं अनिश्चय की स्थिति में हूं तो अपनी आवाज बढ़ा दूंगा, अगर मैं गरीबी अनुभव करता हूं तो मैं आगे जाने वाली दौलत के बारे में सोचूंगा, अगर मैं खुद को अयोग्य समझता हूं तो मैं अपनी पिछली सफलता को याद रखूंगा, अगर मैं खुद को महत्वहीन समझता हूं तो मैं अपने लक्ष्यों को याद करूंगा, आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में करूंगा, अगर मुझ में अति आत्मविश्वास आता है तो मैं अपनी असफलताओं को याद करूंगा, अगर मैं ज्यादा विलासी हो जाता हूं तो मैं भूख के अपने पिछले दौर को याद करूंगा, अगर मैं आत्मसंतोष अनुभव करता हूं तो मैं अपने प्रतियोगिता को याद करूंगा, अगर मुझे महानता के क्षणों का आनंद मिलता है तो मैं शर्म के क्षणों को भी याद रखूंगा, अगर मैं सर्वशक्तिमान महसूस करता हूं तो मैं हवा को रोकने की कोशिश करूंगा, अगर मैं ढेर सारी दौलत हासिल करता हूं तो मैं किसी भूखे मुंह को याद करूंगा, अगर मैं ज्यादा घमंडी होता हूं तो मैं कमजोरी के क्षणों को याद करूंगा, अगर मैं समझता हूं कि मेरी कला का कोई सानी नहीं है तो मैं सितारों की तरफ देखूंगा, आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में करूंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सातवां प्रतिज्ञा, और वो है मैं दुनिया के साथ साथ हंसूंगा, मैं मुस्कुराऊंगा और मुझसे मेरा पाचन भी सुधरेगा, मैं खिलखिलाऊंगा और मुझे अपने बोझ हल्के लगेंगे, मैं हंसूंगा और मेरा जीवन लंबा हो जाएगा, क्योंकि यह दीर्घायु का महान रहस्य है और अब मैं इसे जान गया हूं। मैं जब तक हंसूंगा तब तक मैं कभी गरीब नहीं रह सकता, यह प्रकृति के महानतम उपहारों में से एक है और मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा, केवल हंसी और सुख के माध्यम से मैं सचमुच सफल बन सकता हूं, केवल हंसी और सुख से मैं अपने परिश्रम के फल का आनंद ले सकता हूं, इसीलिए मैं सुखी होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं हंसूंगा और मैं दुनिया के साथ हंसूंगा। यह था सातवां प्रतिज्ञा। आज मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको आठवां प्रतिज्ञा, वह है आज मैं अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। चाहे शहतूत की पत्ती हो, चाहे मिट्टी का मैदान हो, चाहे साइप्रस का पेड़ हो, चाहे भेड़ के बाल हो, इंसान की प्रतिभा के स्पर्श से वह अपने आप में अद्भुत हो जाते हैं। अगर यह पत्तियां, मिट्टी, लकड़ी और बालों के लिए संभव है कि वे इंसान के स्पर्श से अपने मूल्य को 100 गुना या 1000 गुना बढ़ा ले, तो क्या मैं अपने साथ ऐसा नहीं कर सकता? इसलिए मैं आज अपने जीवन का मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। मैं बहुत छोटे लक्ष्य बनाने का अक्षम्य अपराध नहीं करूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा जो असफल आदमी नहीं करेगा। मैं हमेशा अपनी पहुंच को अपनी पकड़ से ज्यादा दूर रखूंगा। मैं बाजार में अपने प्रदर्शन से कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। जैसे ही मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूंगा, मैं हमेशा दूसरे लक्ष्यों की ओर बढ़ जाऊंगा। मैं हमेशा अगले घंटे को पिछले घंटे से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा पूरी दुनिया के सामने अपने लक्ष्यों की घोषणा करूंगा। आज मैं अपने जीवन को 100 गुना मूल्यवान बना दूंगा। नवा प्रतिज्ञा है मेरे सपने बेकार हैं, मेरी योजनाएं कचरा हैं, मेरे लक्ष्य असंभव हैं, इन सब का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मैं काम ना करूं। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। जब शेर को भूख लगती है तब वह खाता है, जब गरुड़ को प्यास लगती है वह पीता है, जब तक वे कर्म नहीं करेंगे वे भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। मुझ में सफलता की भूख है, मुझ में सुख और मन की शांति की प्यास है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं असफलता, दुख और निद्राहीन रातों के जीवन में फंसकर मर जाऊंगा। मैं आज्ञा दूंगा और मैं अपनी खुद की आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आज ही अभी काम शुरू करूंगा। यही सही समय है, यही सही समय है, यही सही समय है। मैं ही सही आदमी हूं। मैं आज ही अब भी काम शुरू करूंगा। और अंतिम लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है कि मैं अपने घुटने पे टिक कर अपने प्रभु को मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि कौन इतना बड़ा नास्तिक होगा कि उसने विपत्ति में या दुख में भगवान को कभी याद ना किया हो? किसने उसे नहीं पुकारा होगा जब वह खतरे में हो, जब उस पर मौत मंडरा रही हो, या उसके सामने कोई ऐसी बात हो जो उसके सामान्य अनुभव या समझ से बाहर हो? यह गहन अनुभूति कहां से आती है जिसके कारण हर जिंदा आदमी संकट की घड़ी में भगवान को पुकारता है? और इसलिए मैं मार्गदर्शन के लिए उसकी प्रार्थना करूंगा। मैं कहूंगा, हे प्रभु, तुमने सारी दुनिया बनाई है, मैं तुम्हारे अलावा किससे मदद मांगू? मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाऊंगा। जब तक मुझे तुम्हारे हाथ का सहारा नहीं मिलेगा, मैं उस रास्ते से भटक जाऊंगा जो सफलता और सुख की तरफ ले जाता है। तुमने शेर
और गरुड़ को सिखाया है कि दांतों और पंजों से शिकार कैसे किया जाता है, मुझे यह सिखाओ कि किस तरह शब्दों से शिकार किया जाता है, किस तरह प्रेम से अमीर बना जाता है, ताकि मैं भी बाजार में एक शेर एक गरुड़ बन सकूं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मुझे पर्याप्त जीवन दो प्रभो, परंतु मेरी मदद करो ताकि मैं हर दिन को अपने जीवन के आखिरी दिन की तरह जी सकूं। जब मेरा बीज रोपा गया था और दुनिया के बाग में मुझे अंकुरित करने के लिए आपने चुना था, उस वक्त आपने मेरे लिए जो योजनाएं बनाई थी, मुझे वह सब बनने दे प्रभु। हे प्रभु, मुझे सही राह दिखाएं। तो यह थी 10 प्रतिज्ञा जो हर सफलतम व्यक्ति को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और प्रतिज्ञा करके सुबह में घर से बाहर निकलनी चाहिए।